ज्योतिष शास्त्र में कई परेशानियों के लिए, कई दुखों के लिए, अपनी दुख समस्याओं से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति के जीवन में जितनी भी परेशानी आती है उन सभी का संबंध जो है वो सीधा नवग्रह से बताया जाता है और इन्हीं नवग्रह के रत्न भी होते हैं। जी हाँ, ग्रहों के रत्नों को धारण करने से मनुष्य का शारीरिक सौंदर्य तो बढ़ता ही है, लेकिन वही साथ ही अलग अलग समस्याओं से निवारण भी मिलता है। ऐसे में रत्नों में लोग सबसे ज्यादा मोती रत्न को पहनते हैं। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे को मोती की असली और नकली पहचान करनी है, क्योंकि अगर वो रत्नों से फायदा चाहिए, उनके चमत्कारिक लाभ चाहिए, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप असली रत्नों को ही धारण करें। अब मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न बताया जाता है। ये चकना चमकदार और दूधिया रंग कोई व्यक्ति इस रत्न को धारण करता है तो बहुत ही पाया गया है। जातक की कुंडली में अगर चंद्र का शुभ प्रभाव हो तो मोती को जरूर धारण करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र जो है वो मनुष्य के मन को दर्शाता है। सारा प्रभाव पूरी तरह से मनुष्य की सोच पर पड़ता है। अगर आपका मन एक जगह स्थिरता नहीं, अगर आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, तो ऐसे में आपके लिए मोती धारण करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस रत्न को अगर जातक धारण करता है तो माँ के परिवार से अच्छे संबंध रहते हैं, वहीं उन्हें लाभ भी मिलता है। जी हाँ, तो चलिए अगर आप किसी रत्न को धारण कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि असली है या नकली। ये जानने के मोती को आपको गौमूत्र में 24 घंटे तक डुबोकर रखना होगा। अगर इस दौरान मोती का रंग बदल जाए, चमक फीकी पड़ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपका मोती जो है वो नकली है। लेकिन अगर मोती का रंग बरकरार रहता है तो आपको समझ जाना होगा कि ये मोती जो है वो असली है। इसके अलावा टूटा फूटा चटका, दागदार धब्बेदार रक्त या ताम्रवर्णी मोती धारण करना भी हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसे में आपके जीवन में परेशानियों का आगमन होने लगता है, तो इसीलिए हमेशा सोच समझ के साथ ही मोती को धारण करें ताकि आपको उससे मिलने वाले लाभों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।